Oh no! What? हाँ? अरे क्या छोटू मियाँ? आइए ये यो छोटू मियाँ आदमियों के औरता के जैसा क्यों रोते मियाँ तुम? Oh no! नागपुर हो मियाँ? अबे हैदराबादी अब रोमनी तो क्या करूँ? अरे आज है ना टेडी डे था। ओए माँ। मैं मेरी औरत के वास्ते टेडी लेके गया था। ये तो अच्छी बात है मियाँ। इसमें बुरा क्या है जी? अरे बुरा? अरे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अरे मेरी औरत ना वो टेडी देख के बेहोश हो गई। आई? तुम्हारी औरत टेडी देख के बेहोश हो गई जी? ऐसी कौन सी टेडी लेके गई थी जी? रुक जा हैदराबादी, पता था देखो मैं। अब्बा! हैदराबादी भी बेहोश हो गया। फिर आज खाने में क्या बना रही हो? जानू आज तुम बताओ क्या बनाओ, मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊं। तो एक काम कर, आज मस्त वाला चिकन बना दे। क्या जानू, इतनी गर्मी पड़ रही है और तुम चिकन खाओगे? दूसरा कुछ बोलो ना। तो एक काम कर, मस्त वाला आमलेट बना दे। आमलेट तो नाश्ते में खाते हैं, खाने में थोड़ी खाते हैं। दूसरा कुछ बोलो ना। तो फिर एक काम कर, गर्म गर्म खिचड़ी बना दे। धत, खाली खिचड़ी से पेट भरता है क्या? जानू दूसरा कुछ बोलो ना। तो एक काम कर, बेसन और बाजरे की रोटी खिला दे। बेसन रोटी बना देती जानू, पर बेसन तो घर में है नहीं और बाजरे हमने कभी पिसाई नहीं। दूसरा कुछ बोलो ना जानू। अरे चल ठीक है, मैगी खिला दे। क्या जानू, मैगी तो बच्चे खाते हैं। खाने में कोई मैगी खाता है क्या? दूसरा कुछ बोलो ना जानू। अरे मेरे बाप रे बाप, अरे आदमी जो खा सकता वो खिला दे, मैं तो तेरी मर्जी से कुछ बना दे। थोड़ा सी जहर दे दे। अपनी मर्जी से ऐसे कैसे मैं कुछ भी बना दूं? तुम कुछ बोलो ना जानू। अरे मेरे बाप रे बाप, अब मैं समझ गया मेरे को क्या बोल रहा है तू। चल देखो एक अच्छी होटल में खाना खिलाता। तुम कितने अच्छे हो जानू। काहे को बुलाए रे तुमने मेरे को यार? अरे यार हम बोर हो रहे थे जी, इसके बाद तो बुलाई जी। अरे जी कब? अब मैं तुम्हारे टाइम पास की चीज है क्या? अच्छा घर पे पढ़ाई कर रहा था ना मैं। अरे यार तुम पढ़ाई की बात करती जी, पढ़ाई में तो हमारा भाई बहुत बड़ा पढ़ाकू था जी। लाइट चले गई तो रागेल की चिमनी जला के पढ़ाई करता था जी। अरे सोटू इसका भाई तो कुछ भी नहीं, मेरा भाई तो इतना पढ़ाकू था, इतना पढ़ाकू था, लाइट चली गई तो अगरबत्ती जला के उसकी रोशनी में पढ़ता था। अरे तुम दोनों के भाई तो कुछ भी नहीं। oh, no! अरे मेरा भाई इतना पढ़ाकू था ना, और हमारे घर में लाइट ही नहीं थी फिर भी वो पढ़ता था। लाइट नहीं थी तो कैसे पढ़ता था? बताओ जी कैसे पढ़ता था? अरे उसकी गर्लफ्रेंड का नाम रोशनी था, वो ना उसको घर पे बुला लेता था और घर में पूरी रोशनी हो जाती थी और वो आराम से पढ़ता था। आइए अगर रोशनी गांव चले गई तो फिर कैसे पढ़ता था? बताओ जरा। हाँ बताओ बताओ कैसे पढ़ता था? जब वो रोशनी बाहर गांव चले जाती थी ना तो उसकी सहेली का नाम भी रोशनी था, वो उसको बुला लेता था और उसकी रोशनी में पड़ता था। आइए ये बहुत हो गया जी, ये नेपाली चल। कह रहे तुझे मैं अभी तक के एक पेशेंट नहीं आया यार। दवा खाना खोली लिए तो आएगा कोई ना कोई। देवर देवा छोटू दादा, अरे मेरे बेटे को बचा ले रे बाबा, बहुत सर्दी लग रही रे बाबा उसको। बाबू भैया क्या हो गया इसको? इतना महिला है डॉक्टर, मेरे ठंडी से बदन कांप रहा है, जल्दी से मेरा कुछ कर। करूँ तेरा? हाँ रुक जा, करता ना तेरा, इधर आ तेरे को चेक करने गए। हाथ आ गया। ठीक है एक काम कर, ये पलंग को धूप में ले तो रे, और इसको भी धूप में ला। जा धूप में जा खड़े हुआ। oh, no! ए बाबू भैया, अरे जरा हाथ लगा पलंग को। आता रे बाबा।
अरे मेरे को क्यों धूप में बांध के रखा? ओह नो! डॉक्टर को बुलाओ। ए छोटू डॉक्टर। अबे चुप, आएगा डॉक्टर अभी। बुलाता ना रे बाबा। ए पीके, अरे तेरे डॉक्टर को बुला ना रे। ए डॉक्टर, ए डॉक्टर, अरे किधर है रे तू? अरे बाबू भैया, काहे को चिल्लाड़ पुकार कर रहे? अरे आ गया ना मैं। अरे मैं तुम्हारे बेटे का ऐसा इलाज करूंगा ना कि इसको कभी जिंदगी में ठंडी नहीं बजेगी। अरे बर्फ में कपड़े उतार के सोऊंगा ये। बाबा, ये डॉक्टर साहब आ गए, अभी तेरा इलाज करेंगे। रुक जरा, रुक रुक। अरे डॉक्टर साहब, ये पलंग के नीचे लकड़ी काहे को लगा रहे बाबा? अरे वो तुमको अब भी मालूम पड़ जाएगा, रुको जरा। ए पीके, अंगार लगा रहे। हाँ डॉक्टर साहब, अब भी आग लगा जलाने का। अरे बाबा, अरे खोल, अरे नीचे से गरम लग रहा है, अरे खोल जल्दी, अरे जल्दी खोल। अरे बाबा, अरे खोल ना रे इसको, अरे मेरा बेटा जल जाएगा ना रे बाबा। अरे बाबू भैया, चिल्लाड़ पुकार क्यों कर रहे? कुछ पढ़ो। अरे इसका नाम है परमानेंट इलाज कर रहा, कुछ पढ़ो थोड़ा। अरे बाबा रुक ना रे, अरे तेरा इलाज हो रहा, ठंडी नहीं लगेगा रे बाबा। अरे बाबा, अरे खोलो जल्दी। अरे बाबा खोल, गरम हो रहा है नीचे से। अरे बस ना रे बाबा, अरे इलाज हो गया ना उसका, खोलना उसको। बोल रहे ना, क्या बात है? ये यो दादा, हम बहुत परेशान है जी। परेशान है? क्यों परेशान है? और छोटू मियां, मैं क्या बोल रहा हूँ? Oh, no! इनको एक गुंडा फोन लगा के जान से मारने को धमकी देता हूँ उन्हें। हाँ जी, हम बहुत परेशान है जी, हमको इससे बचा लो जी। अरे बस इतनी सी बात, मोबाइल बता इधर। पेट के अंदर, अब तेरी परेशानी का हल हो गया, अब तेरे को कभी पोरी नहीं आएगा। ये छोटू, आज तुम कितने दिमाग वाली जी, वो बाल ना, अब मुझे कभी फोन नहीं करेगा जी। ताम पिताम, ताम पिताम। नो देखे ना भाई लोग, ऐसे बद दिमाग लोग रहे ना ये दुनिया में, ये दुनिया बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। हाथी बाबा की जय, हाथी बाबा की जय। बोल बच्चा, तेरी क्या समस्या है? अरे हाथी बाबा, मैं बहुत परेशान है। ये हाथी बाबा तेरी हर परेशानी दूर करेगा, तेरी हर समस्या का समाधान करेगा। ये हाथी बाबा, जो भी हाथी बाबा के पास आता है खाली हाथ नहीं जाता है, क्योंकि हाथी बाबा खाली हाथ बैठा है। चल बता तेरी समस्या क्या है? अरे बाबा, मैं ना मेरी औरत से बहुत परेशान है। अरे वो मेरी एक बात नहीं सुनती। बच्चा, तेरे को मालूम है मैं यहाँ पे क्यों आके बैठा हूँ? क्यों बैठे बाबा? क्योंकि मैं भी मेरी औरत से परेशान हूँ। हाय दोस्तों, दोस्तों अगर आपको छोटू दादा की ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को